वेलकम बैक टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैक्स डिवाइन। आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज आर हिंदी क्लास एंड इन हिंदी क्लास वी विल लर्न अबाउट ई की मात्रा। सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी क्लास में सीखेंगे ई की मात्रा, यानी कि ई की मात्रा वाले शब्द ऑन पेज नंबर 16। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ई की मात्रा। ई की मात्रा कैसे लगती है? इस तरह से। ई की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। तो चलिए हम रीडिंग करेंगे तो जानेंगे कि ई की मात्रा किस तरह से पढ़ी जाती है। सबसे पहले है ता। ता पर ई की मात्रा ती, र, तीर। स्टूडेंट्स, जब हम ई की मात्रा लगाते हैं तो उस अक्षर को हम खींच कर पढ़ते हैं, जैसे हमने अभी देखा ता पर ई की मात्रा ती, र, तीर। यहाँ हम ता को खींच कर पढ़ रहे हैं। आगे है हा। आ की मात्रा हा। था पर ई की मात्रा थी, हा, थी। आगे है दा। दा पर ई की मात्रा दी, पा, कपक, दीपक। दा पर ई की मात्रा दी, वा की मात्रा वा, दीवा। ला पर ई की मात्रा ली, दीवाली। देखा स्टूडेंट्स, जिस अक्षर पर भी ई की मात्रा लगी हुई है वो अक्षर खींच कर पढ़ा जा रहा है। चलिए आगे हम रीडिंग करते हैं। शब्दों को बोलकर पढ़िए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी रीडिंग करेंगे। का पर ई की मात्रा की, ल, कील। ना पर ई की मात्रा नी, र, नीर। ता पर ई की मात्रा ती, र, तीर। वा पर ई की मात्रा वी, र, वीर। खा पर ई की मात्रा खी, र, खीर। पा ई की मात्रा पी, ला ई की मात्रा ली, पीली। अब आप देखिए यहाँ पा पर भी ई की मात्रा लगी हुई है और ला पर भी ई की मात्रा लगी हुई है, तो हम पा को भी खींच के बोलेंगे और ला को भी खींच कर बोलेंगे, पीली। आगे है ना। शा पर ई की मात्रा शी, नशी। ला पर ई की मात्रा ली, नशीली। वा पर ई की मात्रा वी, रा की मात्रा रा, वीरा, न, वीरान। फा, का पर ई की मात्रा की, फकी, र, फकीर। पा पर ई की मात्रा पी, पालापल, पीपल। गा पर ई की मात्रा गी, दाड़ादड़, गीदड़। बा पर ई की मात्रा बी, मा की मात्रा मा, बी मा, र, बीमार। आगे है ना। आ की मात्रा ना, श, नाश। पा की मात्रा पा। ता पर ई की मात्रा ती, नाश, पाती। खा, रा पर ई की मात्रा री, खरी। दा आ की मात्रा दा, र, दार, खरी, दार। नाम नम। का पर ई की मात्रा की, नमकी, न, नमकीन। चापा चप। रा की मात्रा रा, चपरा। सा पर ई की मात्रा सी, चपरासी। चामचम। का पर ई की मात्रा की, ला पर ई की मात्रा ली, चमकीली। आगे है दा पर ई की मात्रा दी, ना की मात्रा ना, दीना। ना की मात्रा ना, थ, नाथ, दीना, नाथ। तो ये थे शब्द जिनकी हमने अभी रीडिंग की। आई होप आप सभी को ई की मात्रा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आगे है वाक्यों को बोलकर पढ़िए। यहाँ कुछ सेंटेंस हैं, अब हम इनकी रीडिंग करते हैं। दीवाली आई, गीता की चाची आई, नानी भी आई, नानी मिठाई लाई, मीरा मिठाई खा, दीप जला, गरीब को मिठाई खिला, दीवाली मना, दादी खील बताशे लाई, बिजली जला,
सफाई कर। ये थे वाक्य जिनके हमने अभी रीडिंग की। आगे है कविता गाइए। यहाँ कविता दी हुई है, इसकी हम रीडिंग करेंगे। मछली पीती खारा पानी, नानी पीती मीठा पानी, जीवन ही सबका है पानी, जग हर छाया पीकर पानी। तो सो स्टूडेंट्स, ये थी ई की मात्रा जिसकी हमने अभी रीडिंग कंप्लीट की। तो चलिए अब हम ई की मात्रा से रिलेटेड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये है अभ्यास ई की मात्रा से रिलेटेड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रंगीन वर्ण पर ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। यहाँ रंगीन यानी कि रेड कलर के जो वर्ण हैं, अक्षर हैं, उस पर आपको ई की मात्रा लगानी है और एक शब्द पूरा करना है। जैसे खा, यहाँ पर रेड कलर है, रेड कलर से लिखा है, तो आप खा पर ई की मात्रा लगाएंगे। खा, ई की मात्रा। खी, रा, खीर। एक क्या बन गया, एक ही नया शब्द बन गया। आगे है तारा तर, तो ता रेड कलर का है, तो आप ता पर ई की मात्रा लगाएंगे। ता, ई की मात्रा। ती, र, तीर। आगे है वारा वर, वा रंगीन वर्ण है, तो आप वा पर ई की मात्रा लगाएंगे। वा, ई की मात्रा। वी, र, वीर। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। आगे है चित्र देखकर उसका नाम लिखिए। यहाँ चित्र दिए गए हैं, इन्हें देखकर आपको इनका नाम लिखना है। जैसे चीता, तीर, घड़ी, परी, इमली, मछली, लड़की, हाथी। ये चित्र हैं, आपको इनके इनके नीचे नेम लिखने हैं। आगे है चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ चित्र दिए गए हैं, आपको उनको चित्रों के नाम लिखकर वो पूरा वाक्य यानी सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे सीटी बनी हुई है, तो इसके आगे आप लिखेंगे सीटी मत बजाओ, तीन बज गए, चील उड़ गई, दीपक जलाओ। सो स्टूडेंट्स, ये थी ई की मात्रा से रिलेटेड अभ्यास। ये अभ्यास आप अपनी हिंदी की बुक में ही फिल करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हिंदी क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।